हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि दो व्हीकल हैं ए और बी, है ना, और दोनों ही व्हीकल किसी पॉइंट पर ए की प्लेस पर हैं। ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलेरेशन 0 है, यानी इसकी जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम किस डिस्टेंस पर एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, कौन किसको ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पी पॉइंट पर ये ओवरटेकिंग होगी, पी इज द मीटिंग पॉइंट, और इस पॉइंट तक मूविंग कंडीशन में दोनों का टाइम सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4a x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो x u है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड t और प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरे व्हीकल b के लिए x इज इक्वल टू 10 इंटू टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। डिस्टेंस दोनों की सेम है p पॉइंट तक, तो दोनों इक्वेशन को इक्वलेंट करके हम t की वैल्यू 16 सेकेंड फाइंड कर लेंगे। इस 16 सेकंड को हम किसी भी ये b जो 10t है इस इक्वेशन में हम इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन में रख देंगे और इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 160 मीटर, यानी 16 सेकंड में ये ओवरटेकिंग होगी। तो 16 सेकंड बाद स्पीड किसकी अधिक होगी, क्योंकि जो हमारा व्हीकल ए है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और इसमें एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो व्हीकल ए है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ही इसको ओवरटेक करेगा। ठीक है, इनिशियली तो बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये इस 10 मीटर पर सेकंड है ये आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक्सेलेरेट होने की वजह से व्हीकल ए पी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस यानी 160 मीटर चलने के बाद बी को ओवरटेक कर जाएगा। थैंक यू।